हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। कुणाल, यस शाहरुख। हाय शाहरुख, कोमल देसाई फ्रॉम स्मार्ट आपसे बात कर रही हूँ, होम क्रेडिट के रिगार्डिंग, होम क्रेडिट की बेहद। शाहरुख, ऐसे मैं देख पा रही हूँ आपका एक लोन है शायद, है ना? हाँ जी, आपने अभी तक पे नहीं किया है लोन का अमाउंट, एनी रीजन? क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? मैडम, रीजन ये है, पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है सर? सर बताइए, मैं आपको क्या सहायता कर सकती हूँ इसमें? मैडम, आप इस पे आरटीपी डाल दो, डिस्पोजिशन में फंड इशू। क्या कर दूँ इस पे? मैडम, आप इस पे आरटीपी डाल दो और डिस्पोजिशन में फंड इशू कर दो। आरटीपी डाल दो? मुझे थोड़ा सा रीजन दीजिए, मैं आपसे हेड डिपार्टमेंट ऑफिस से बात करनी, उसके बाद फिर मैं सीधा डायरेक्ट लीगल एक्शन और उसके लिए। तो मैडम एक काम करो, लीगल यहाँ पे क्या वो भेजूंगी क्या? तो कहते हैं आप यही रहते हैं ना, ये 179B14। बात तो सुनो, लीगल नोटिस भेजोगी? कौन, सॉरी, लीगल लीगल नोटिस भेजोगी? देखिए, मैं आपको भेजने वाली कुछ नहीं होती, बैंक आपको भेजेगा, ठीक है? मैं आपकी सिर्फ यहाँ से क्वायरी आगे डालूंगी, क्योंकि मेरा काम है आपको रिटेन करना। कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, जहाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ आई कैन डू दैट, आइदर आई कुड हेल्प। मैडम, मैं ये तो आपसे मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मैडम उसे डिजिटल भेज, वो डिजिटल ना भेज कर फिजिकल भेज मैडम, क्योंकि मुझे कागजों की यहाँ पर जरूरत है। आप चाहते क्या है, मतलब मैं लीगल नोटिस भिजवाऊँ, आप ये चाहते हैं? आप मुझ पर लीगल नोटिस भिजवाओ, लेकिन जो है ना फिजिकल आना चाहिए, डिजिटल नहीं, क्योंकि मुझ पर कागजों की कमी है, पैसों के कारण मैं कागज खरीद नहीं पा रहा। क्या प्रॉब्लम क्या हुई है आपको? मैडम, प्रॉब्लम ये है कि मैं जॉबलेस हूँ, और प्लस मैं मेरा फंड इशू भी तो जॉब के कारण आपको बताइए पहले, ये प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, जॉबलेस हो, अभी जॉब नहीं मिली कहीं? यस यस मैडम। कब से चल रहा है ये प्रॉब्लम? मैडम, ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं, ये प्रॉब्लम चल रहा होगा 2 महीने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप कि कब तक करवा पाओगे, क्योंकि देखो फिर ना मेरे पास राइट नहीं है, मैं ज्यादा तो आपको नहीं कर सकती, बस हाँ ये कि आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, अगर कुछ मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है सो दैट आई कैन डू, ये कि फिर आपको चार्जेस के चार्जेस लगेंगे सर, है ना? अगर आपको हेल्प करनी है तो इस पे कुछ समय के लिए डीएनडी लगा दो बस, क्योंकि पैसे तो मैं 2 से 3 महीने बाद ही दूंगा। 2 से 3 महीने बाद? हाँ सर, देखें फिर मैं इतना तो बियर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैडम मैडम आप बियर मत करो, आप तो मेरी इतनी हेल्प कर दो, कुछ दिनों के लिए डीएनडी लगा दो बस। नहीं सर, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो ठीक है मैडम, फिर आप कॉल कट कर दो, लीगल नोटिस भेज दो। आप मुझे कंफर्म कराइए एड्रेस, आपके घर पे बैंक वाले आ जाएंगे। हाँ मैडम, मैडम बैंक वाले भेजोगी? पहले सुनो तो मैडम, मैडम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भेजोगी या मैनेजर, बैंक मैनेजर? दोनों आएंगे सर। मैडम दोनों आएंगे तो ठीक है, बैंक मैनेजर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो खाली एम्प्लॉयमेंट आईडी ले, और अगर एग्जीक्यूटिव आए, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग, टेंशन मत लीजिए, बैंक मैनेजर सुन तो लो, अगर एग्जीक्यूटिव आए तो ऑथराइजेशन लेटर विद एम्प्लॉयमेंट आईडी के साथ आए, वरना मैडम फिर वापस जाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वापस जाने की क्या, आप धमकी दे रहे हैं? यस मैडम, यहाँ पर लीगली सब कुछ अगर एक ठीक है, बिल्कुल मैं लीगली बात कर रही हूँ आपसे, अगर आप इस टोन में मुझसे बात करेंगे ना तो फिर आप अपनी तरफ से खबरदार रहिएगा, आपका क्या पता वो मुझे नहीं पता। ठीक है मैडम, आप मैंने आपसे क्या बोला, अगर वो सब कुछ ले, मैडम मेरी सुनो, मैडम मेरी सुनो, अगर एड्रेस जो आप बोल रही हो वही है मैडम, लेकिन मैडम अगर एग्जीक्यूटिव आया तो ऑथराइजेशन लेटर विद इम्प्लीमेंट आएगा एग्जीक्यूटिव। अरे मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपको आप लीगल एक्शन की बात कर रहे हो ना, ठीक है लीगल एक्शन नोटिस करवा देती हूँ मैं, और क्या बताइए मैम, और सहायता कर सकती मैडम, और क्या मैडम सहायता आपकी यही चाहिए, मेरे पास है कागजों की कमी, तो मैडम डिजिटल ना भेज कर आप कृपया करके फिजिकल भेज दे, डिजिटल ना भेज के फिजिकल भेज दो। ठीक है, आप 1 मिनट ना लाइन पे रहिएगा, मैं 1 मिनट दीजिए बस मुझे। हेलो, हाँ फारूक भाई, हाँ बताओ क्या दिक्कत हो गई है, हमसे कोई गलती वलती हो गई क्या? दिक्कत ये हो गई है यार, जो है ना जवाब यहाँ पर वो भेजो ना,
पहले तो आप यहाँ पर जब घूमेंगे यार, कृपया करके मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, जो है ना उसको डिजिटल ना भेजना, फिजिकल भेजना। मेरे पास इतने पैसे नहीं तो वो कागज खरीदे तो वो कागज में यूज में ले, ठीक है? अच्छा इतनी इतनी बस मेरी हेल्प तो कर देगी ना। नहीं शाहरुख भाई एक बार बताओ, हम लोगों ने गलती कर दी है आपकी, क्या कहते हैं, बुरे वक्त पे आपका साथ दिया तो हम लोगों ने गलती कर दी है। नहीं यार ऐसा ही है ना, तुम ये बताओ तुम लोग जब एजुकेटेड पर्सन हो, DRA करे हुए तो तुम्हें ये नहीं पता कस्टमर अगर बोल देता है कि RTP डाल दो तो डाल देते हैं और ज्यादा ज्यादा बात नहीं करते। पता है आप ही अपनी, अरे मेरी बात मेरी सुन लो शाहरुख सुन लो पहले बात थोड़ी। हाँ पता है मुझे भी कि आप भी जो है ना कलेक्शन में ही हो, ठीक है, या कलेक्शन कर चुके हो पहले। मेरी तो सुन लो, मेरी तो सुन लो, ऐसा आपको ये भी पता होगा कस्टमर से ऐसा नहीं बोलते। क्या बोल दिया कस्टमर को? हमने आपकी बुरे समय को मदद करी है, आप दे नहीं रहे तो तुम समझदार, वो जो लड़की थी वो तो ठीक थी, तुम समझदार हो, तुम्हें बता देता हूँ। देखो अगर लीगल नोटिस भेजना चाहते हो तो भेज दो, लेकिन बस इतनी शाहरुख नासिर मेरा नाम है, ठीक है, आप सुनो मेरी बात। आप पहली बात आपको नेटवर्क में ही हो क्या? अभी क्या नेटवर्क में हो नहीं क्या? आवाज डिस्टर्बेंस होने का बहुत ज्यादा आपके वहाँ पे। नेटवर्क में ही यार, नेटवर्क में ही हूँ भाई मैं, आपको अपने नंबर से पकड़ रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अरे नहीं इसी पे बात कर लो, अरे इसी पे बात कर लो, अरे अपने नंबर से बात कर रहा हूँ, ठीक है। नमस्कार सर, ऋषि सिंह बात कर रहा हूँ, ICICI बैंक के बिहार से। जादू शर्मा जी बात कर रहे हैं, दोबारा बोलना। हाँ जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोरोना रिक्वायरिटी एंड ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड के जरिए है सर। आपका ICICI बैंक में क्रेडिट कार्ड चला हुआ जिस क्लास के कोड डिजिट है 8008 सर, इसकी पेमेंट नहीं हो पाई अभी तक, क्या इशू आ रहा है? पेमेंट का इशू बाद में क्लियर करते हैं, पहले अपना नाम बताइए सर। ईशु सिंह, ईशु ई सिंह। हाँ जी हाँ जी, ईशु सिंह, ईशु सिंह। और हाँ मेरा नाम क्या? वैभव शर्मा। वैभव शर्मा, अच्छा ठीक है। कौन से बैंक का है क्रेडिट कार्ड? हाँ जी सर, कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है? ICICI बैंक का सर। वैभव शर्मा जी बात कर रहे हैं सर? वैभव शर्मा तो बात कर रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन तो बनता है ना किसको फोन लगाया। हाँ जी सर बिल्कुल बनता है, सर बिल्कुल बनता है। हाँ तो देखो सर, अभी ना मैं पेमेंट कर नहीं पाऊंगा। तो कब तक करवा रहे हो सर? पेमेंट ज्यादा कुछ नहीं, आई विल पे आफ्टर 3 या 4 मंथ्स, 3 या 4 महीने बाद जमा कर दूंगा। 3-4 महीने बाद क्यों करोगे सर आप? सर पैसे नहीं है ना मेरे पास, पैसे ही नहीं क्योंकि सर आपके, हाँ जी सर आपके सर क्योंकि ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है सर पिछले मंथ का। सर थोड़ा सर कंडीशन समझो मेरी, सर पैसे नहीं है मेरे पास। सर आपकी कंडीशन को मैं समझ रहा हूँ। देखो सर, देखो सर, आप सर जो आप मेरी बात सुनिए, बात सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए। अभी सर आपका जो टोटल अमाउंट है इसमें 3,62,820 का है सर। सर आप 3-4 महीने बाद पेमेंट करेंगे इसकी सर, 3-4 महीने बाद सर इसका इंटरेस्ट लग के दो अमाउंट सर भी बढ़ जाएगा। ये सुनो तो सर, उसका सेटलमेंट कर लूंगा मैं, सेटलमेंट कर लूंगा। तो सर सेटलमेंट के लिए भी तो मिनिमम क्लियर करवाना पड़ेगा ना सर आपको? अरे सर चलो सर, सर देखो सर, अभी देखो ना, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आप देखो लड़के हो, आप साफ बात समझोगे एक आदमी की, मेरे पास बिल्कुल भी ना मल्टीपल लोन है और पैसे बिल्कुल नहीं, सही बताओ तो। हाँ जी, लेकिन मैं आपको सर बात बता रहा हूँ, इसका सर डेली का चार्ज लगते हैं सर 0.11% के हिसाब से और महीने का 4.5%। वो तो मैं इसका सेटलमेंट करा लूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन अभी ना मेरे पास बहुत बिल्कुल ही पैसे नहीं है। तो सर कहीं से आप अरेंज करवा लीजिए सर। अरे यार देखो सर, देखो ये तुम्हें पता है, जब आदमी हर जगह से हार जाता है तभी मैंने करता पैसे नहीं, वरना अरेंजमेंट करके भर देता। ओके सर, ओके। अगर सर आपके पास टोटल के नहीं है तो मिनिमम क्लियर करवा दीजिए ना आप। भाई मेरे मिनिमम छोड़ो, बेयर मिनिमम के भी पैसे नहीं है अभी। ओके सर, तो फिर सर आप कब तक करवा रहे सर इसका? इसका तो देखो मेरे पास है मल्टीपल लोन, अगर व्यवस्था नहीं हो पाई ना तो सेटलमेंट करूंगा सबके। ओके सर, सेटलमेंट करोगे आप तो सर फिर
तो अभी तो पेमेंट नहीं करोगे इसका मतलब आप है? अभी तो देखो मैं बता दिया दो तीन चार महीने तक नहीं होगा क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लोन है ना, पैसे नहीं है। ओके सर, ओके और बढ़िया होगा सर। मैं तो ठीक है सर, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ आपका। क्या आप तो सर तीन चार महीने बाद का बता रहे हो सर? भाई एक काम हो सकता है क्या? हाँ जी सर। इस पर कुछ दिनों के लिए D&D लगा दोगे? सर हम सर इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि सर ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल होती है, ये लगती रहती है सर। कोई नहीं भाई, फिर जो हाँ जी सर, जिसमें पेमेंट नहीं करवाते ना सर, अगर देर मिनिमम भी नहीं करवाते तो ऐसी कॉल लगती रहती है। अच्छा ठीक है फिर भाई, जो आप जो फीडबैक दे रहे हो वो दे दो। ठीक है सर, और बाकी मैं सर यहाँ से कोशिश करता हूँ सर आपका केस सर ऊपर थोड़ा ठीक है। ठीक है ओके सर, आईसीआई बैंक का बना केंद्र समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।